हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको भरतपुर जंक्शन के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अंकुर अंकल का कुमार, यूट्यूब चैनल अनयूजुअल स्टफ। जो भरतपुर जंक्शन है ये राजस्थान में पड़ता है। इसका जो स्टेशन कोड है वो है BTE। ये कोटा डिवीजन के अंदर आता है और इस स्टेशन का जो जोन है वो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इस स्टेशन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से डबल इलेक्ट्रिफाइड लाइन गुजरती है। इस स्टेशन पर टोटल 118 ट्रेनें हॉल्ट होती हैं और 3 ट्रेनें यहाँ पे ओरिजिनेट और 3 ट्रेनें यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं। इस स्टेशन पे आपको हर एक टाइप की बेसिक फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि पार्किंग, टिकट काउंटर, वेटिंग एंड रिटायरिंग रूम फॉर स्लीपर, AC। स्टेशन के अंदर आपको टी स्टॉल, बुक स्टॉल और स्टेशन के बाहर आपको टैक्सी और ऑटो की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है वो है आगरा एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे होटल्स और लॉज मिल जाएंगे जहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भरतपुर जंक्शन के बारे में। तो इससे पहले अगर आपको लगता है कि मैं और कोई स्टेशन पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मेरे मिशन, जिसमें मैं इंडिया का हर एक स्टेशन कवर करना चाहता हूँ, इसमें मोटिवेट करें। जो भरतपुर जंक्शन है ये एक इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन है जिसमें डेली लगभग 15 से 20 हज़ार पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। ये न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन के बीच में पड़ता है और ये एक जंक्शन है जिसकी कैटेगरी है वो है कैटेगरी ए। जो मेजर ट्रेनें स्टेशन पर रुकती या गुजरती हैं वो है कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस और बहुत सारी पैसेंजर ट्रेनें जो मथुरा, सवाई माधवपुर, आगरा और कसगंज के बीच में चलती हैं। जो भरतपुर जंक्शन है ये बेसिकली अपने टेम्पल्स, भरतपुर पैलेस और अपने नेशनल पार्क जो कि बर्ड सेंचुरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके लिए जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।